पर। अश्विन जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार नमस्कार सर। सर जी एक्चुअली मेरी राय थी HDFC बैंक में मेरी 50 शेयर्स की होल्डिंग है एट द प्राइस ऑफ 1470 रुपीज। तो मैं ये जानना चाह रहा सर कि इसमें हम लोग को सेल ऑफ करके निकलना चाहिए या और या अश्विनी, होल्ड आपकी करना चाहिए। हाल हाल फिलहाल आपने शेयर खरीदे हैं कुछ दिन पहले ही अश्विनी? आपने हाल फिलहाल शेयर खरीदे हैं ये? ठीक है, HDFC बैंक 1424 पर ट्रेड कर रहा है, 1490 की खरीद है। लगातार 3 दिन से इस स्टॉक में प्रेशर बना हुआ है। लेकिन सौरभ जी, आपको क्या लगता है कि HDFC बैंक अभी तो देखिए क्रेडिट ग्रोथ के अच्छे आंकड़े आए हैं, फेस्टिव सीजन चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से और बेहतर होती हुई दिखेंगी। अभी बोल रहे हैं कि आप क्या करना चाहिए और निकल जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, विचार चल रहा है मन में ऐसा। आपको क्या लगता है कि अभी निवेशित रहें, अभी और अच्छे दिन आएंगे HDFC बैंक के? लगता है शायद उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि मैं निकल जाऊं। देखिए शॉर्ट टर्म में तो मार्केट में काफी पेन लग रहा है, अभी जो करेक्शन आया है इतना ही करेक्शन मैं समझता हूँ और भी आ सकता है, क्योंकि जो रिस्क अवर्स हो रहा है और जिस तरह से फॉरेन मनी वापस जा रहा है तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिंग ज्यादातर HDFC बैंक में है, तो सेलिंग देखने को ज्यादा मिल रहा है। अगर लंबे समय का अवधि का आपका नजरिया है तो बैंकिंग क्षेत्र काफी अच्छा लगता है, और मुझे लगता है HDFC बैंक से ज्यादा अच्छा ICICI बैंक रहेगा। अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा डालना है तो मैं समझता हूँ कि उसमें ज्यादा रिटर्न आने की अनुमान है, आप HDFC बैंक से पैसा निकाल के ICICI बैंक में शिफ्ट करें। ठीक है, तो HDFC बैंक से पैसा निकालकर ICICI में शिफ्ट करने की आपको सलाह मिल रही है। चलिए आगे बढ़